लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के नामांकन के अंतिम दिन गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से मधुसूदन त्रिपाठी, निर्दल शैलेंद्र कुमार, भारतीय गोंडवाना पार्टी से सुशील कुमार, निर्दल अरुण कुमार श्रीवास्तव, नाम प्रकाश श्रीवास्तव, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सुभाष दुबे, निर्दल अवधेश कुमार सिंह, निर्दल राकेश कुमार उर्फ रामू भैया, निर्दल राकेश श्रीवास्तव ने नामांकन किया। इसके अतिरिक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से अभिषेक चंद्र, निर्दल राधेश्याम सेहरा, प्रगतिशील समाज पार्टी से श्याम नारायण, हिंदुस्तान निर्माण पार्टी से सुनील सिंह, निर्दल नवल किशोर नथानी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने दोबारा जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडियन के समक्ष नामांकन दाखिल किया। कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसी प्रकार 67 बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी से राकेश साहनी, हिंदुस्तान जन मोर्चा शालीग्राम, भारतीय स्वजन पार्टी से राम विरिच, निर्दल राकेश कुमार, निर्दल फेकू प्रसाद तथा राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से लाल चंद ने उपाध्यक्ष जीडीए अमित बंसल के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी से कुश सौरभ राव, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से सुरेश, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र प्रसाद ने पुनः नामांकन दाखिल किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया, आज 14 प्रत्याशी ने अपने नामांकन फाइल किए थे। अब तक का टोटल 31 प्रत्याशी ने अपने नामांकन फाइल कर चुके हैं। आगे कल से उसका स्क्रूटनी होगा, फिर उसके बाद विड्रावल है, उसके बाद फिर कैंडिडेट फाइनल करेंगे, उनका चिन्ह अलाटमेंट करेंगे। कल से उसका स्क्रूटनी चालू हो जाएगा पुनरीक्षण।